भाई हम मोरो से आए सिर्फ ये खाना खाने के लिए। ये जो है सारा इसी चीज का गेम है और इसको तर किया जा रहा है मलाई से फुल। तो जिस तरह से मलाई डल रही है ना, दिल चाह रहा है कि बस खाना स्टार्ट किया जाए। ओए होए 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 होए। तो हम इस वक्त मौजूद है कढ़ाई की दुनिया के अंदर और ये देख सकते हैं कढ़ाइयाँ जो है ना, एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कढ़ाइयाँ लगी हुई। और इस तरह के कुछ सीन्स हैं कि पहले मटन दस्ती आ गई और इसके बाद हमारे पास ये आ गई बकरी की चांपे। और ये जो वो ये दूसरी रस्ते अभी फटाफट लेके जाएंगे अपने। इस मसाले में पहले बकरे को भिगोया जाता है और फिर देन इस पर रख के और पकाने के लिए छोड़ा जाता है। कितना टाइम लगता है एक बकरा बनने में? 3 घंटे। तो ये जो है इनके मलाई वाले कबाब हैं जो कि इनकी स्पेशलिटी है। दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहे हैं, खाने में हम आपको खाने के बाद बताएंगे कैसे हैं। फाइनली हमारे पास दम पोक आ गया है, इसमें हमारे पास लेग पीस और विथ राइस है। तो सबसे पहले कौन टेस्ट करके बताएगा? ओए होए 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 होए। स्पेशलिटी क्या क्या है दोस्त? फिर स्पेशल गोला कबाब, मलाई बोटी और मटन दम पोक, देसी मुर्गा। ये मैदान में इसलिए बैठे हुए हैं कि गोश्त जो है ना आपको आपकी मर्जी का दे रहे हैं। आज का ऑब्जेक्टिव जो है ना, एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट को हमें एक्सप्लोर करना है। उसकी रिकमेंडेशन तो सुनते रहते होंगे पर आज तक के आपको हॉनेस्ट रिव्यू किसी ने नहीं दिया होगा। तो वो हॉनेस्ट रिव्यू देने के लिए हम कराची से जा रहे हैं हैदराबाद। खुशामदीद कहते हैं अपने आज की वीडियो में और स्पेशली ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है ऐसे दोस्तों के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और अच्छे जायको पसंद करते हैं। वो चाहते हैं तो ट्रैवलिंग भी अच्छी होगी 1-1.5 घंटे की और टेस्ट भी बहुत ज्यादा हो। तो इसलिए हम आज स्पेशली पहुंचे भरूई पे। तकरीबन 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करके डेफिनेटली हम लोग कराची से बिलोंग करते हैं। तो स्पेशली आने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे व्यूअर्स हमें फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्पेशली उनकी ये विश थी कि ऐसी कोई वीडियो बनाई जाए जो थोड़ा ट्रैवल करने के बाद मतलब एक अच्छे टेस्ट में मुनफरिद। दम पोक और बेहतरीन किस्म के कबाब और वकार के आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीन्स जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं। पूरा बरोई बलोचिस्तान सजी जो है धुआं से घिरा हुआ है। यहाँ की सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहिए? कहने के बारे में कुछ ऐसा है कि यहाँ बहुत ज्यादा रश है हमारी सोच से ज्यादा। बिल्कुल। तो यहाँ के खाना कैसा होगा ये हमें नहीं पता। बिल्कुल। आलम देखे जगह। तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें जगह दी। अल्लाह खुश रखे आपको यार। आप क्या खाएं बंबई? हमने जो सुना था कि सिंधी मेहमान नवाज होते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें आज यहाँ पे मिल गया। अल्लाह खुश रखे। वो भी ट्राई करते हैं। अल्लाह खुश रखे। भाई हम मोरो से आए सिर्फ ये खाना खाने के लिए जी। इसका जो दम पोक है ना वो बहुत ही बड़ा मजेदार का है, हमने अभी खाया है। इसका चावल बहुत है, अलग अलग गला हुआ, गोश्त भी इसका बहुत है। 1.5 घंटा हमने इंतजार किया है तब जाके हमें खाना। अच्छा आप ये बता दें आपने सीट के लिए किस टाइम यहाँ पर आए थे? तो ये खुलता है 6 बजे, हम 5 बजे आ गए थे तभी हमें जाकर सीट मिली है। दम पोक और मटन कढ़ाई खाई। मटन कढ़ाई भी कढ़ाई ऐसी इनकी। और कबाब भी इनके कोई फेमस है? मलाई कबाब तो इनकी ग्रीन बूटी आती है, वो इनकी है मलाई ग्रीन बूटी की, वो आप खा लेने एक बार। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब चीजों को करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत मुश्किल है यहाँ पर जगह मिलना। फैमिली के साथ आप आते हैं तो जगह आपको इजीली मिल जाएगी। फैमिली का सेटअप अलहदा से बनाया हुआ है, लेकिन आप छड़े छाटे हमारी तरह तो बहुत मुश्किल है। डिसाइड क्या किया है, क्या ऑर्डर करना है? डिसाइड ये किया है, दम पोक ऑर्डर किया है और हमने कढ़ाई ऑर्डर की है और कबाब। बस 3 चीजें ये चेक करेंगे, स्पेशलिटी है यहाँ की बिलोई की। अगर अच्छा लगा तो कुछ और भी मंगाएंगे। इतना कोई रश जो लगा हुआ है ना, तो ये तो यही गवाही देता है कि यहाँ के खाना जो है वो मयारी है। बरोही की स्पेशलिटी है मलाई कबाब। इसको पहले इस कोयले के ऊपर बनाया जा रहा है और फिर इसको मलाई में निलाया जाएगा। तो मलाई इसके ऊपर से डालने के बाद जो है ना इसकी स्पेशल जो सीन्स हैं वो नजर आते हैं। ओए होए 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 होए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं कढ़ाई की दुनिया के अंदर और ये देख सकते हैं कढ़ाइयाँ जो है ना, एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कढ़ाइयाँ लगी हुई और हर बंदा अपनी कढ़ाई को लुक आफ्टर कर रहा है। इकली पे बनते हुए ये कढ़ाइयाँ, जाहिर सी बात है खाने का जायका जो है वो लाजवाब होने वाला है। इस तरह से पीतल के उससे इस पे नंबर लिखे हुए हैं ताकि हर किसी की कढ़ाई जो है आगे पीछे ना हो जाए। और गोश्त जो है आप देख सकते हैं मटन गोश्त है ये, और बहुत लाजवाब नज़र आ रहा है दिखने में। और खाने के बाद हम आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। दिखने में तो बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहा है और बनने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मैं बात करूं इनकी लवाजमात की तो ये मिर्चें हैं, टमाटर और इनके धनिया वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और साफ़ सुथराई का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। सबसे पहले हमारे पास चांपे आ गई और इसके बाद जो है ये इनकी स्पेशलिटी है मटन दस्ती। और मटन दस्ती लाइन से आप देख सकते हैं लगी हुई भरपूर। इस तरह की कोई सीन्स हैं कि पहले मटन दस्ती आ गई और इसके बाद हमारे पास ये आ गई बकरी की चांपे।
धुआं बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं धुआंधार हुआ हुआ है यहाँ का माहौल जो है, इसकी वजह से आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। आप ये रश जो देख सकते हैं किसी लंगर का रश नहीं बल्कि दस्ती लेने का रश है। ये लंगर अंदर कुछ भी नहीं है, सब लोग पैसे देके खाने वाले हैं, रश की वजह से इतनी इतनी। अच्छा देखो लोग ये जो है पैसे देके खाने वाले लोग हैं और रश देखे आप किस तरह का, और ये ऐसा लग रहा है कि फ्री में कोई लंगर बट रहा हो। ये जो है आधा किलो के पीसीज हैं चाँप और गर्दन, हमें जो गाइड कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छे भाई हमें मिल गए हैं जो हर चीज़ से हमें गाइड कर रहे हैं। इस तरह के यहाँ पे कोई सीन्स हैं और बेहतरीन किस्म के जो है मटन राइस लगते हैं। आप राइस देखें ऐसा लग रहा है कि कोई लंगर वंगर मिल रहा है, मैं तो यही सजेशन करूँगा कि वकार साहब आप इसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करें क्योंकि आपके हाथ लंबे हैं। भाई पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की है जैसे कोई लंगर बट रहा हो, हर बंदा फटाफट लेके और जा रहा है, और ये जो रश है वेटर्स का है। भाई ये ग्रेट होटल है भाई, यहाँ पे बड़ा रश है, तो मैं जीत जाऊंगा। ये जो है मटन दस्ती कुछ इस तरह की है, और ये भाई लेने में कामयाब हो गए और इसके बाद ये जो है सर्व करेंगे। 12 दस्ती आ गई है और रान आ गई है बेहतरीन मटन दस्ती, ये एक में डाली देन दूसरे में डाली, और ये उठाया रजा भाई, इनका नाम है और हर बंदा रजा भाई, रजा भाई। एक एक भाई कामयाब होगा लेने में एक दस्ती, और ये दूसरी दस्ती अभी फटाफट लेके जाएंगे अपने। इस मैदान में बैठने का मकसद ही यही है कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है, वो मसाला हो या कढ़ाइयाँ हो। निगाह जा रही है कढ़ाई कढ़ाई नज़र आ रही है, बनते हैं मतलब लाइन से कढ़ाई बनती है। तो अगर हम इसको इस तरह से कुछ एक्सप्लोर करें कि कढ़ाई की दुनिया, तो गलत नहीं होगा। ये सारी मेहनत जो है ना इन भाई की है। ये चावल बन रहे हैं, ये चावल बन रहे हैं और ये दमपोक बन रहा है, इतनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। कितने मसाले में पहले बकरे को भिगोया जाता है और फिर देन इस पर रख के और पकाने के लिए छोड़ा जाता है। कितना टाइम लगता है एक बकरा बनने में? 3 घंटे। 3 घंटे लगते हैं, यानी कि अगर हमें दमपोक खाना है तो 3 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये है यहाँ के कुछ सीन्स जो हैं इस तरह। बकरे बैटिंग में पड़े हुए माल निकाले, फिर ये लगाए। अच्छा तो ये बकरे जो हैं आप देख सकते हैं दमपुक के लिए ये बकरे जो हैं वेटिंग पे पड़े हुए हैं। ये दूसरा वाला माल जो है ये निकालेंगे तो देन ये वाले बकरे लगाएंगे। लाइन से लेग पीस जो है उसको पिरोया जा रहा है सीखों में, मलाई बोटी भरपूर तादाद में लगी रही और फुल जूसी गोश हो रहा है। यकीन करें वेट नहीं किया जा रहा है, दिल चाह रहा है कि फटाफट खाना खाएं, पर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर रश है ना उस रश को मद्देनजर रखते हुए वेट करना पड़ेगा। लाइन से लगे हुए ये लेग पीस सुलगते कोयलों पे आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। दिखने में जो है ये मलाई बोटियाँ बहुत ही कोई शानदार लग रही हैं। ये इन्होंने मलाई बोटी यहाँ पे ला के रखी और देन इसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगी और फिर ये अपने खाने वालों को सर्व करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई बन रही है जैसा कि हमने आपको बनाया था, ये जो है कढ़ाई की दुनिया है और लकड़ी के ऊपर ये कढ़ाई बनाई जा रही है। तो ये जो है इनके मलाई वाले कबाब हैं जो कि इनकी स्पेशलिटी है, दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहे हैं, खाने में हम आपको खाने के बाद बताएंगे ये कैसे हैं। स्पेशलिटी क्या क्या है दोस्त? फिर स्पेशल बोला कबाब, मलाई बोटी और मटन दमपू देसी मुर्गा। ये मैदान में इसलिए बैठे हैं कि गोश्त जो है ना आपको आपकी मर्जी का दे रहे हैं। इसकी मलाई है जो कि हम अपने मलाई कबाब और मलाई बोटी के ऊपर डालते हैं और इसके साथ तिल, ये जो है सारा ऐसी चीज़ का जैम है और इसको तर किया जा रहा है मलाई से फुल। तो जिस तरह से मलाई डल रही है ना, दिल चाह रहा है कि बस खाना स्टार्ट किया जाए, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं किया जा रहा। तो ये है इसका सारा गेम है मलाई का, और इसके ऊपर फिर तिल की लेयर्स लगाई जा रही है। तो फाइनली हमारे पास दमपुक आ गया है, इसमें हमारे पास लेग पीस और विथ राइस है। तो सबसे पहले कौन टेस्ट करके बताएगा? मानी भाई की चॉइस है, तो सबसे पहले मानी भाई टेस्ट करेंगे। जी मानी भाई टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो मानी भाई टेस्ट करेंगे सबसे पहले, और मानी भाई जो है लड़ रहे हैं इस मटन की दस्ती के साथ, मानी भाई से ब्रेक नहीं की जा रही है। तो मानी भाई ने सबसे पहले ये लिया और थोड़ा सा रायता भी डालेंगे, यानी कि फुल फॉर्मल होके इसको टेस्ट करेंगे। तो चावल डाले थोड़े से और इसके बाद ये बाइट ली। जी मानी भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके रिव्यू के बारे में? वीआईपी टेस्ट है भाई, जबरदस्त टेस्ट है, नो डाउट। ओए होए 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 होए, मजा ही आने वाला है। ये कोई अच्छा गलावा है, अब ट्राई करके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। जी आज टेस्ट कीजिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जो
जो चावल है ना वो उतने टेस्टी नहीं है, बट जो दम्बू के बहुत बहुत टेस्टी है। बिल्कुल, इससे मसाला कुछ अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत यूनिक टेस्ट आ रहा है, बट जो उनके चावल है ये नॉर्मल जैसे होते हैं वही है। ओए 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 ओए, तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा कि कबाब है मलाई कबाब, वकार बताएंगे टेस्ट करके। वकार मटन चौक से निकालते, वकार के लिए हमने ये रखा हुआ है। क्या शाही मटन खाने लगे? सॉरी मटन नहीं, चिकन। बीफ कबाब है, चिकन पे लिखिए बताएं। ये बीफ है, बीफ है। तो टेस्ट कैसा है इसका बताएं जरा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऐसा है कि मुंह में डालो खुद ब खुद भूल रहे थे ना, बहुत बड़ा गला है। जरा कढ़ाई का टेस्ट करके आप हमें बताएं कैसी कढ़ाई है इनकी। सबसे पहले कढ़ाई का मैं आपको धुआं निकालना दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल नजर आ रहे हैं वाले में से, तो ये मुंह को जलाने वाला है। तो टेस्ट करते हैं इसको, फिर देना आपको रिव्यू देते हैं। ऑनेस्टली रिव्यू ये डिसाइड कर रहे हो? एक एक चीज को इंडिविजुअल टेस्ट कर रहा हूँ, पर देन रिव्यू दूंगा। मैंने कढ़ाई खा ली और कढ़ाई का टेस्ट जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। लाइक शाही छनवारी की तरह कढ़ाई, यानी कि आपको कराची में भी ऐसी कढ़ाई मिल जाएगी। भैया आप इंडिविजुअली अगर इनकी दम पुक की बात करो ना तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और इसके साथ साथ इनके मलाई कबाब लाजवाब। तो ये है कढ़ाई के लुक, दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी है। क्योंकि मटन कढ़ाई हमने नहीं मंगाई, हर जगह की मटन कढ़ाई स्पेशलिटी होती है, क्योंकि मटन में हमने दम पुक मंगा लिया था। नहीं तो आप हमें ये बताएं कि कराची से अगर स्पेशलिटी कोई खाने यहाँ पे आता है तो कढ़ाई खाने आए या ना आए? अगर कराची से कोई स्पेशली यहाँ पर आता है तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि वो दम पुक और मटन दस्ती विद राइस ले, और इसके साथ साथ इनके मलाई कबाब और मलाई बोटी जो है वो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कढ़ाई एवरेज है? कढ़ाई एवरेज है, पर कराची से स्पेशली अगर यहाँ पर आप कढ़ाई खाने आ रहे हो तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कराची से अगर आ रहे हैं तो आप मटन दस्ती विद राइस लाजमी ट्राई करें, और इनके मलाई कबाब और मलाई बोटी। पराठे के जो शौकीन है ना उनके लिए थोड़ा सा उनको थोड़ा सुरदा हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पराठा नहीं है, यहाँ पे नान और चपाती आपको मिलेगी। खाना यहाँ पे खा लिया, खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। बस ये कढ़ाई इनकी एवरेज है, इसके अलावा जितने भी आइटम है ना बहुत अच्छा, मलाई बोटी गोला कबाब और जो हमने दम्बू खाया बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि अच्छा उसे एक दफा यहाँ पे ट्राई करें। तो फाइनल रिव्यू यही है बरोही बलोचिस्तान रेस्टोरेंट के, कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनके मलाई बोटी मलाई कबाब और दमपुक जो है ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। मटन दस्ती विद राइस वो भी बहुत जबरदस्त था, और कढ़ाई जो है वो एवरेज थी, लाइक कराची की तरह। पाकिस्तान के कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे दमपुक और इनकी मलाई बोटी और मलाई कबाब जरूर ट्राई करें। अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।